कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी खबर, एक बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कुछ शहरों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। साथियों, आप देख रहे हैं संत आवाज़ टीवी और मैं मनोज अंतानी। आज अब तक की सबसे बड़ी खबर संत आवाज़ टीवी पर आपके लिए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हॉट स्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह कर दिया है सील। सील मतलब कोई भी क्षेत्र जो सील किया गया है उसमें किसी भी तरह की आवागमन, दुकान, बैंक, एटीएम नहीं खुलेंगे। आज रात 12 बजे के बाद सील होने वाले क्षेत्र हैं गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, शामली, सीतापुर, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, सहारनपुर और महाराजगंज, ये सभी 15 जिले पूर्ण रूप से सील किए गए हैं। इनके अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा केस पाए गए, उन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। आइए नज़र डालते हैं हर जिले के हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर जहां पूरी तरह से बंदी की गई है। गाजियाबाद में 13 जगहों को सील किया गया है, आगरा में 22, लखनऊ, कानपुर और नोएडा में 12-12 क्षेत्रों को जो जगह है उनको सील किया गया है, बस्ती, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और शामली में 3-3 क्षेत्रों को सील किया गया है, वाराणसी, महाराजगंज और सहारनपुर में 4 क्षेत्रों को सील किया गया है और सीतापुर में 1 को। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी ने बताया जिन क्षेत्रों को सील किया गया है 15 अप्रैल तक पूरी तरह सील रहेंगे, किसी तरह की कोई दुकान, कोई व्यवसाय, बैंक, एटीएम नहीं खुलेंगे। आपको अगर कोई सामान मंगाना है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी, लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल रही थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है, केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई करी जा रही है। सभी डीएम्स और एसपीस को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। खबर कैसी लगी अपनी कीमती राय देना ना भूलें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, प्ले स्टोर पर संत आवाज़ टीवी के ऐप और अगर आप वेबसाइट पर हैं तो www.santaawaztv.in पर हमें लॉगिन करना ना भूलें। धन्यवाद।